नमस्कार, आज हम बनाएंगे गुड़ सौंठ के लड्डू। अगर आपको चीनी खाना नहीं पसंद है तो आप इस तरीके से घर पर गुड़ और सौंठ के लड्डू बनाएं। गुड़ और सौंठ सर्दियों के मौसम में बहुत ही फायदेमंद होता है और यह सर्दी जुखाम के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। यह लड्डू खाने में बहुत ही फायदेमंद और हेल्दी भी है। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। इसको आप एक बार बनाकर स्टोर करके महीने भर खा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं लड्डू बनाना। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 400 ग्राम गुड़ लिए हैं और यहाँ पर हमने आधा कप सौंठ का पाउडर लिया है। यह सौंठ का पाउडर हमने घर पर बनाया है, लेकिन आप इसे मार्केट से भी ले सकते हैं, क्योंकि सौंठ के पाउडर मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई को रख दिया है। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम अलसी को भूनेंगे। यहाँ पर हमने एक कप अलसी लिया है, इसे लोग तीसी भी बोलते हैं। इसे पहले हम तेज आंच पर चलाते हुए भूनेंगे। जब अलसी गर्म होकर चिटकने लगेंगे तब गैस को हम मीडियम में करके भूनेंगे, जिससे अलसी अच्छे से भुन जाए। अब अलसी चिटकना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये फूट रहा है। अब गैस को हम मीडियम में कर देते हैं। जब अलसी चिटकना बंद हो जाएंगे तो समझ लीजिए अलसी भुन गया है। अब अलसी अच्छे से भुन गए हैं, ये पूरी तरह से चिटक गया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम बाकी की चीज़ों को भूनकर तैयार करेंगे। अब कढ़ाई में हम डालेंगे एक बड़े चम्मच देसी घी। घी को पहले अच्छे से गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक बड़े चम्मच गोंद डालकर भूनेंगे। गोंद को हम बराबर चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, जब तक ये पूरी तरह से फूट न जाए। आप देख सकते हैं गोंद अच्छे से फूट कर बड़े बड़े हो गए हैं। ये अच्छे से भुन गए हैं, तो अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। अगर आपके पास गोंद नहीं है तो आप बिना गोंद के भी ये लड्डू बना सकते हैं। अब गोंद को हम साइड में रख देते हैं। कढ़ाई में जो घी बचे हैं इसी में हम थोड़ा सा मेवा डालकर भूनेंगे। यहाँ पर हमने थोड़े से कटे हुए बादाम, काजू, छुहारा और अखरोट को लिया है। सभी मेवा को हम कढ़ाई में डालकर भूनेंगे। मेवा को हम बराबर चलाते हुए भूनेंगे, जब तक ये हल्के सुनहरे रंग में न हो जाए। अब मेवा हल्के सुनहरे रंग में भुन गए हैं, तो अब इन्हें हम एक बर्तन में निकालेंगे। अब कढ़ाई में हम एक बड़े चम्मच घी फिर से डालेंगे। घी गर्म होने के बाद अब इसमें हम एक कप मखाना डालकर भूनेंगे। मखाने को हमें चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक ये ऊपर से टाइट ना हो जाए, यानी कि हमें इसे ऊपर से एकदम क्रिस्पी होने तक भूनना है। अब मखाने भी अच्छे से भुन गए हैं, तो इसे भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मखाने को भूनने के बाद अब कढ़ाई में हम फिर से एक चम्मच घी डालेंगे। घी पिघल गया है। अब इसी में हम आधा कप सूखा नारियल भूनेंगे। नारियल हमने कद्दूकस करके लिया है, इसे हम हल्के सुनहरे रंग में होने तक भूनेंगे। नारियल भी अच्छे से भुन गया है। अब इसे भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। जिस बर्तन में हमने मेवा निकाला था उसी बर्तन में इसको भी निकालेंगे। यहाँ पर हमने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, ये लगभग 1.5 कप हैं। अब इसे हम कढ़ाई में डालकर भूनेंगे। आटे में हम अभी घी नहीं डालेंगे। पहले हम इसी तरह बराबर चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे, जिससे आटे भूनने के बाद हल्के हो जाएं और इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। अब आटे भून गए हैं और इसका कलर हल्का चेंज हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से भूनकर तैयार नहीं है। अब इसमें हम घी डालकर भूनेंगे। आटे में हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देते हैं। अब घी को हम आटे में अच्छे से मिला लेते हैं। ध्यान रहे, अगर आप इस तरह से लड्डू बना रहे हैं तो आटे को अच्छे से भूनें, जिससे आटे में कच्चापन न रहे, क्योंकि जब आटे अच्छे से भुने रहेंगे तभी लड्डू खाने में स्वादिष्ट लगेगा। घी को हमने आटे में अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम सौंठ का पाउडर डालेंगे। इसके बाद 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 बड़े चम्मच घी को डालेंगे।
अब सौंठ और हल्दी को आटे में मिलाते हुए 3 से 4 मिनट तक और भुनेंगे, जिससे आटे के साथ साथ हल्दी और सौंठ भी अच्छे से भुन जाएं। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो आटे में से हल्दी और सौंठ की अच्छी खुशबू आने लगेगी। अब आटा अच्छे से भुन गया है, आटे के साथ साथ हल्दी पाउडर और सौंठ भी अच्छे से भुन गया है, इसमें से सौंठ और हल्दी की अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे भी हम उसी बर्तन में निकालेंगे जिस बर्तन में हमने मेवा निकाला है। यहाँ पर अलसी अच्छे से ठंडा हो गया है, अब इसे हम जार में डालकर पीसेंगे। इसे हम एकदम आटे जैसा पीस लेते हैं। अलसी को पीस कर हमने एकदम आटे जैसा बना दिया है। अब इस थाली में हम मखाने को डालेंगे और इसी में भुना हुआ गोंद को डालेंगे, क्योंकि इसे हम दरदरा करेंगे। मखाने और गोंद को दरदरा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी लिया है। अब इसी कटोरी से दाब कर हम इसे दरदरा बनाएंगे। आप चाहें तो इसे जार में डालकर दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन इसे बहुत बारीक न करें। गोंद और मखाने को हमने इस तरह से दरदरा कर दिया है। अब इसी बर्तन में हम इसको भी डालेंगे। अब कढ़ाही में हम 1 बड़े चम्मच घी डालकर फिर से गर्म करेंगे। यहाँ पर हमने जो अलसी पीसा है, अब इसे हम कढ़ाही में फिर से डालकर 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे, जिससे अगर कहीं से कच्चे हों तो पूरी तरह से भुन जाएं। अब ये अलसी भी भुन गया है। अब इसी बर्तन में हम अलसी को निकालेंगे। अलसी को हमने भून कर निकाल लिया है। अब कढ़ाही में हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। घी गर्म होने के बाद अब इसमें हम गुड़ को डालकर पिघलाएंगे। गुड़ को हमें बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, गैस को हमने एकदम धीमा किया है। बस इसे हम बराबर चलाते हुए धीमी आंच पर पिघलाएंगे। जैसे ही गुड़ पिघल जाएगा तो गैस को हम बंद कर देंगे। अब एक गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है। अब गैस को हम बंद करेंगे और कढ़ाई को उतार कर नीचे रखेंगे, क्योंकि अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अब सारे चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिला लेते हैं। सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब थोड़े से मिश्रण हम अलग करेंगे, क्योंकि हम थोड़े थोड़े मिश्रण में गुड़ मिलाकर लड्डू बनाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा से गुड़ को डालेंगे। अब मिश्रण में हम गुड़ को अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी डालने से लड्डू ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, वो जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हमें इसमें पानी नहीं डालना है, गुड़ के मदद से ही हम लड्डू बनाएंगे। अब थोड़े थोड़े मिश्रण लेकर दोनों हाथ से लड्डू हम बना लेते हैं। इसी तरह से हम पूरे मिश्रण का लड्डू बनाएंगे। आप चाहें तो लड्डू को छोटे या बड़े साइज की बना सकते हैं। अब इसे हम प्लेट में रखेंगे। गुड़ अभी गर्म है तो हम फटाफट इसी तरह लड्डू बना लेते हैं। थोड़े थोड़े गुड़ इसी तरह हम मिलाकर लड्डू को बनाते जाएंगे। इससे मिश्रण सूखे नहीं होंगे और लड्डू आसानी से बनते जाएंगे। आप देख सकते हैं, एक एक करके हमने पूरे लड्डू को बना लिए हैं। इस तरह से हमारा गुड़ और सौंठ का लड्डू बना है। यह लड्डू जल्दी ख़राब नहीं होंगे। आप इसको एक बार घर पर बनाकर डिब्बे में स्टोर करके महीने भर आराम से खा सकते हैं। इस तरह के लड्डू बहुत ही फायदेमंद होता है। गुड़ सौंठ के यह लड्डू घर में बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं।
क्योंकि यह लड्डू खाने में बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट हैं। आप इस तरह से लड्डू घर पर जरूर बनाएं। यह लड्डू सभी को जरूर पसंद आएगा।